हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा शर्मा। सो ये है स्नेक प्लांट। लोग मेरे से बोलते हैं कि आप प्लांट्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों रहते हो, प्लांट्स क्यों लगाते हो, इतनी केयर क्यों करते हो, हर टाइम उसी में बिज़ी क्यों रहते हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्लांट से मुझे मिलता कुछ नहीं है, बट मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है, मैं स्ट्रेस फ्री रह पाती हूँ, अपने आप को बिजी रख पाती हूँ इसमें, तो मेरा फालतू चीज़ों में दिमाग नहीं जाता है। बाकी मैं वर्किंग हूँ तो अपना काम करती हूँ, अपनी पढ़ाई करती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास बचता है उसमें मैं ये काम करती हूँ जो कि मुझे काफ़ी सुकून देता है और मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है मैं इसी में देना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे नए नए प्लांट्स ख़रीदना, उनको किस तरीके से ग्रो करते हैं, उनकी केयर कैसे करते हैं, ये सारे काम करना अच्छा लगता है। तो बस अपने सुकून के लिए, अपने आप को अच्छा लगाने के लिए मैं ये सारे काम करती हूँ। ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट को जब आज हम देखेंगे कि मतलब इसमें स्नेक प्लांट को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं, एक प्लांट को मल्टीप्लाई करके कई सारे प्लांट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्लांट को अलग करना हो तो आप उसकी मिट्टी की गुड़ाई करें, जिससे कि ऊपर की जो उसकी मिट्टी है वो सॉफ़्ट हो जाए। मिट्टी सॉफ़्ट होगी तो आप अपने प्लांट को इजीली निकाल सकते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्लांट है काफ़ी पुराना प्लांट है तो इसकी लीव्स काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, तो आप किसी टूल की हेल्प से इसका अंदर से निकाल सकते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे आराम से धीमे धीमे खींच कर निकालें जिससे कि उसकी रूट्स ना टूटें और डैमेज ना हो। तो कुछ इस तरीके से आप इसे अलग कर लेंगे। स्नेक प्लांट का क्या है कि आप इससे मल्टीप्लाई करके कई सारी अलग अलग प्लांट्स बना सकते हैं और इसे आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आप इसका जो रूट एरिया है जहाँ से इसकी रूट्स हैं वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक में से ही कई सारी लीव्स हैं, तो आप इसके रूट एरिया से अलग कर दीजिए। उसकी रूट्स उसके साथ होनी चाहिए ताकि वो इजीली ग्रो कर पाए। वैसे विदाउट लीव्स भी ये ग्रो कर पाता है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप इसे अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने भी इसको अलग कर लिया है और मैंने इस तरीके से कई और सारे प्लांट्स को अलग मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है जिन्हें मैं आज शिफ्ट करूँगी। तो आप देख सकते हैं स्नेक प्लांट के बारे में बात करें तो स्नेक प्लांट काफ़ी इजी टू ग्रोइंग प्लांट है, जिसे ग्रो करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें मेन जो है ध्यान रखना है वो है वाटरिंग का। आप इसमें कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें, कम वाटरिंग होगी वो चलेगा, लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपका प्लांट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि ख़राब हो जाए, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं इसकी लीव्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, ऊपर से लैगी हो जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा मुरझाई मुरझाई हो रही हैं और वो गल जाएंगी। तो आपको मेन ध्यान रखना है कि आप इसमें कभी भी ओवर वाटरिंग ना करें। आप इसे बहुत ज़्यादा धूप में रख सकते हैं और आप इसे चाहें तो बहुत ज़्यादा लो लाइट एरिया में भी रख सकते हैं जहाँ पर धूप नहीं आती और अंधेरा रहता है। मतलब बिल्कुल अंधेरे में तो नहीं, बट हाँ जहाँ पर थोड़ी नॉर्मल लाइट रहती हो वहाँ पर आप इसे रख सकते हैं। आप इसे रूम वगैरह में भी रख सकते हैं। काफ़ी इजी टू ग्रोइंग प्लांट है। आपको इसे ग्रो करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, डेली वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे 10 दिन में 15 दिन में एक बार पानी देंगे तब भी चलेगा। बहुत ज़्यादा खाद या कोई फर्टिलाइज़र की भी इसको नीड नहीं होती। काफ़ी इजी टू ग्रोइंग प्लांट है और काफ़ी खूबसूरत प्लांट है जो आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाता है और एक इंडोर चलता है, आउटडोर दोनों ही तरीके से अच्छे से चलता है। तो आप इसे बिल्कुल अंधेरे में ना रखें, बट हाँ जहाँ बहुत हल्की पुल्की लाइट आती हो आप इसे वहाँ चला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि जो इसकी लीव्स हैं वो काफ़ी लंबी हैं, आप देख सकते हैं, तो वो नीचे ना गिरें और अच्छे से सेट रहे। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो।